नसीबो मेरा लिखे मेरा बाहर वेले मैनु दर्द ही मिले होया की कसूर मैं तो तू इन्हें दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझे तुम ये पानी बहन, मुझे तुम्हारी हालत ठीक नहीं लगती। तुम्हें घर जाके आराम करना चाहिए। मैं ठीक हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है तुम्हारा? यही करीब है मेरा घर। तुम कहो तो मैं छोड़ देती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी है। बेगम साहिबा, आपके लिए ताजा जूस। फरीदा, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा कुछ भी खाने पीने, लेकिन बड़ी बेगम साहिबा ने सख्ती से ऑर्डर किया है कि आपको सुबह शाम ताजा जूस दूं। तो अम्मी भी ना। अच्छा चलो, रख दो, मैं पी लूंगी। अरे ये क्या कह रही थी तुम? ये रख दो क्या होता है? पी लूंगी। अरे अभी मेरे साथ। अच्छा बाबा, पीती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अरे परवीन, कहाँ थी तुम? इतनी देर लगा दी। बाजार में ही थी खानदा। तुम बताओ, सब खैरियत है? हाँ खैरियत है। तुम्हारा शोहर मर के दो चक्कर लगा चुका है, वो भी नशे की हालत। परवीन, तुम अमजद को समझाती क्यों नहीं? कब तक ये नशे और जुए में पड़ा रहेगा? अब तो तुम मां बनने वाले हो। उसे कहो ये नशा और जुआ छोड़ के कोई काम धंधा कर। क्या करूं खालदा बहन? मैं समझा समझा के थक गई। मेरी किसी बात कोई असर नहीं होता मुझे पर। क्या पता
आने वाली औलाद को देख कर ही अमजद को तरस आ जाए और मुझे सब छोड़ दे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वरना ये नशे जैसी लत कितनी जल्दी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं दोबारा चक्कर लगाती हूँ, आराम। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मैंने ये सब पहचानने में लग गया तो मेरी बीवी मर जाएगी। तुमने आज फिर नशा किया है? डॉक्टर घर नहीं आ सकते। लैला को होश तो आ गया है। होश तो उसे आ गया, लेकिन उसे अस्पताल जाना बहुत जरूरी है। नसीबों मेरा लिखा मेरा बाहर वेले मेनू दर्द ही मिलया, होया कि कसूर मैं तो तू ही मैं दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझया। नसीबों मेरा लिखा मेरा बाहर वेले मेनू दर्द ही मिलया, होया कि कसूर मैं तो तू ही मैं दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझया। मैं अपने बच्चे का मुस्तकबिल बहुत अच्छा बनाऊंगी, उसे जिंदगी की हर वो खुशी दूंगी जो मुझे नहीं मिल सकी। असलम, अगर इस बार किसी काम में कोताही हुई मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। बेगम साहिबा, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा चलो जाओ, जाके लैला बीबी के लिए सूप बनाओ। चले जी। अम्मी जान, आपने मुझे बुलाया। खुशी, तुम्हें अपनी बीवी की जरा बराबर भी फिक्र नहीं है? ऐसा क्या हो गया? आप ये क्यों कह रही हैं मुझे? लैला का लास्ट मंथ चल रहा है और तुम आराम से बैठे हो। मैंने तुमसे कहा था कि एक नर्स रख दो उसकी देखभाल के लिए, लेकिन अपनी माँ की तुम सुनते कब हो? अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने नर्स का बंदोबस्त कर लिया लेकिन लैला ने मना कर दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं। कैसी जरूरत नहीं है? मैं खुद बात करती हूँ लैला से। बेगम साहिबा जी, लैला बीबी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। चले मैं खुद जाती हूँ।
गई बेगम साहबा, आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा ना। कहाँ जा रहे हो मेरे बच्चा? कौन हो भाई, मुझे छोड़ दो। अच्छा तो तू अब हमें पहचाने का भी नहीं? सलीम दादा के बंदे हैं हम, जुए के पैसे वसूल कर रहे हैं तुझसे। दो दिन से तुझे ढूंढ रहे हैं, दो दिन से कहाँ छुपा बैठा था तू? भाई वो मैं सलीम दादा के सारे पैसे दे दूंगा, इस वक्त मुझे जाने दो। आज तो तुझे नहीं छोड़ेंगे बेटा, आज तो तुझे सलीम दादा के डेरे पर लेकर जाना है। समझ आई भाई? मेरी मेरी बीवी की हालत बहुत से खराब है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मैंने ये सब पल जाने में लग गया तो मेरी बीवी मर जाएगी, मेरी बीवी मर जाएगी, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ, मैं सलीम दादा के सारे पैसे दे दूंगा, मुझे एक दो दिन का वक्त दे दो, पक्का वादा मैं दे दूंगा। तो तुझे छोड़ रहा हूँ, कल शराफत से डेरे जरूर आना, वरना तू जानते है तेरा क्या हाल होगा फिर। जी ठीक है, फिर तो जैसे मेरे पास पैसों का बंदोबस्त होगा मैं तो सीधा सलीम दादा के डेरे पे हाथ जोड़ के पैसे दे दूंगा, अभी मुझे जाना है। तो समझ गया है ना, अगर तू कल नहीं आया तो तेरा क्या असर होगा, लाश भी नहीं मिलेगी, लाश भी नहीं मिलेगी। पागल, पैसे सलीम दादा मुझसे हम जैसे अम्मी। जी बेटा। लैला थोड़ा सा हौसला रखो बेटा, संभालो अपने आप को। हाशिम तुमने बात की है डॉक्टर से? क्या कह रही है डॉक्टर? अम्मी जान बार बार नंबर मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो फोन अटेंड ही नहीं कर रहे। तुम फोन करते रहो, देखो तो सही ना डॉक्टर को, दोबारा तुम फोन करो। बस लेना जरा अपने आप को संभालो प्लीज, देखो डॉक्टर को फोन कर रहे ना। बेगम साहिबा, लैला बीबी तो बेहोश हो गई है। लैला मेरी जान, लैला मेरा बच्चा, लैला 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 आंखें खोलो। ए अल्लाह मुझे सेहत वाली उम्र वाली औलाद देना, जिसे मैं जिंदगी की हर खुशी दे सकूं, मेरी औलाद को मेरा सहारा बनाना। मुझे अपनी औलाद की खुशियां दिखा दे मेरे मालिक। क्या कहा डॉक्टर? अम्मी जान मौसम बहुत खराब है, डॉक्टर घर नहीं आ सकते। लैला को होश तो आ गया है? होश तो उसे आ गया, लेकिन उसे अस्पताल जाना बहुत जरूरी है। फिर क्या करें, हमें लेकर जाना होगा। असलम, असलम जल्दी से गाड़ी निकालो, हमने अभी जाना, जल्दी करो। तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूं। ठीक है, ठीक है। कहाँ मेरे जीतू, कितने चक्कर लगा चुका हूँ मैं घर के। यही थी मेरी गर्दन तो छोड़ो, आज तेरी वजह से मैं मर जाता। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया हूँ घर में। तुमने आज फिर नशा किया है? पकड़ा Thank you.
बड़ी देर से घर आई है आज। बड़े पैसे लाई होगी है ना, मुझे थोड़े से पैसे दो, मुझे कुछ सामान खरीदना। दे मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। नहीं बता दे रहे पैसे किधर है पैसे? पैसे झूठ बोलती है तू। इतने सारे पैसे छुपा कर रखे हैं तूने और मुझे कहती है तेरे पास पैसे नहीं है। ये मेरी औलाद के पैसे, ये मुझे वापस कर। मुझे इनकी जरूरत है, तुम्हें नहीं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। ये पैसे भूल जा, इन पैसों को भूल जा, इनसे मैंने बहुत सारे सामान खरीदना है। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, आगे मैंने बड़ी मुश्किल से अगर ये मर गया तो कहीं मुझे जेल ना हो जाए। नहीं, मैं अपनी औलाद को जेल में नहीं पलने दूंगी। नहीं नहीं, मैं अपनी औलाद का मुस्तकबिल बर्बाद नहीं होने दूंगी। जाना बीबी जी आपको? पता नहीं। मतलब आप रक्षे में बैठ के तो यहीं तो जाना होगा आपको। ईवी सेंटर ले तो। ईवी सेंटर?
लेना बस में मुझे लगता है आपको अस्पताल जाना चाहिए। ये सेंटर ही ले लो। क्या हुआ? अम्मा एक मिनट आइए, लड़की की हालत बहुत खराब है। आप आइए आइए। हाशिम जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। मैं इसको हम अपने साथ ही ले चलते हैं। हो सकता है कि हमें माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाना पड़े। डॉक्टर साहब आप फौरन ऑपरेशन कीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब नहीं, अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो अमजद का पता चल जाएगा, मुझे कुछ करना होगा मेरी बच्ची। डॉक्टर साहबा कैसी तबीयत है मेरी बच्ची की? देखिए उनकी हालत काफी क्रिटिकल है और हमें उन्हें फौरी ऑपरेट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहबा मेरी बीवी को तो कुछ नहीं होगा। देखिए हाशिम साहब, मैं आपको किसी किस्म के धोखे में नहीं रखना चाहती, लेकिन आपकी वाइफ का केस काफी खराब हो चुका है और हो सकता है कि हमें माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाना पड़े। डॉक्टर साहब आप फौरन ऑपरेशन कीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब देखिए हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भी दुआ कीजिए। डॉक्टर इस पेशेंट की हालत खराब होती जा रही है। इनके घर वालों से किसी को फोन दिलवाइए। डॉक्टर इनके साथ तो कोई भी नहीं है।
क्या मतलब कोई नहीं है? डॉक्टर ही वही एक्सीडेंट का केस है, इनके घर वालों को अभी तक कुछ पता नहीं चला। शबाना का मैंने फौरी ऑपरेट करना पड़ेगा, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। वैसे भी हमारे पास दो क्रिटिकल केसेस हैं, सो हरी आप। ओके अम्मी जान, मैं तो बहुत परेशान हूँ, अब क्या हो? हर्षित, हौसला रख, हौसला रखो बेटा, हमारी लैला बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम देखना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाशिम साहब आप हैं? जी मैं हूँ, फरमाइए। इस पर आपके साइन चाहिए। मेरे साइन? जी, डॉक्टर साहिबा ने कहा है ऑपरेशन बहुत रिस्की है। हौसला रखो, कुछ नहीं होगा, बच्चे ठीक हो जाएंगे। प्लीज हाशिम, तुम मेरे से टूटोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज हाशिम, खुदा ठीक कह रही है। लैला मेरी जान, देखो अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली, बच्चे। अरे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बच्ची नर्सरी में है, दो घंटे बाद ले आएंगे तुम्हारे पास। बच्ची ठीक तो है ना? अल्लाह का करम है, बिल्कुल खैरियत से है। वैसे तो माँ बेटी ने हमारी तो जान ही निकाल ली। हाशिम ये कुछ पैसे रख लो, ये किसी करीब को दे दे, और मेरी पोती के नाम पे कुछ बकरे जुबा करवा कर सदका भी कर देना। जी हां, सिस्टर जी मेरी बेटी को ले आए, मैं उसे देखना चाहती हूँ। माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत प्यारी है, तो थोड़ी देर में आपके पास आ जाएगी। सुनो जी, मेरा काम कर दोगी? जी बोले। ये कड़ा मेरी पोती के हाथ पे पहना दो। मैम हमें इसकी इजाजत नहीं है। अम्मी जब आपकी पोती को ले आएंगे तो आपने खुद पहनाना है अपने हाथों से। नहीं भाई, मेरी पोती को पैदा होने से पहले बहुत बुरी नजर लग गई थी, मैं जरा भी इंतजार नहीं कर सकती। बेटा ये कर दो ना मेरा सा काम। नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती। ये रख। नहीं नहीं गलत नहीं समझना, प्यार से दे रही हूँ, खुशी से दे रही हूँ। अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं रख लेती हूँ। ये कड़ा मेरी पोती के हाथ में पहना दो। जी thank you.
इनकी हालत तो काफ़ी बेहतर है, इनकी बच्ची कैसी है? इनकी बच्ची भी ठीक है डॉक्टर, वो बेबी कार्ड नंबर 3 में है। जी कितने केसेस बाकी हैं आज के? आज तो डिलीवरी के 2 ही केसेस आए थे। इनकी फैमिली में से किसी से रब्ता हुआ? नहीं डॉक्टर, इनके फैमिली मेम्बर्स में से कोई हॉस्पिटल नहीं आया। ये होश में आ जाए तो मुझे बुलवा लीजिएगा, मुझे इनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ओके जी डॉक्टर। क्या कर रही तुम्हें तो कुछ नहीं सर, डॉक्टर सायरा बुला रही है। जी मैं बस आ रही हूँ। चलो रखो इसको जाओ। चार बज गए सुबह के ना। नहीं, अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो अमजद का पता चल जाएगा। मुझे कुछ करना होगा मेरी बच्ची। Thank you.
अली, तुम यहाँ बैठे सो रहे हो, डॉक्टर राउंड पर हैं। अगर तुम्हें किसी ने ऐसे सोता हुआ देख लिया ना तो नौकरी जाएगी तुम्हारी। पता ही नहीं लगा कैसे आंख लगी एकदम। बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं कार्ड नंबर 4 की बेबी को उनकी मदर को देने के लिए आई हूँ। अच्छा ले ले जा। क्या यार सोले भी नहीं देते ये लोग। पेशेंट परवीन, ये कहाँ चली गई है? बच्ची भी ठीक है डॉक्टर, वो बेबी कार्ड नंबर 3 में है। जी। कितने केसेस बाकी हैं आज के? आज तो डिलीवरी के 2 ही केसेस आए थे। कड़ा कहाँ गया जो मैंने इसको भेजा था? हाँ कहाँ गया कड़ा? गुड़िया, नर्स, नर्स जल्दी आए, कोई है बाहर? मेरी पोती को हुआ क्या है डॉक्टर साहब? बच्ची के दिल का एक बाल सही काम नहीं कर रहा। ये बच्ची आप मुझे दे देना, मैं संभाल लेती हूँ। मुझे दे दे, दे दे। ये एक सोने का कड़ा है मेरे पास, अगर तुम कहो तो ये मैं अमानत के तौर पर गिरवी रखवा सकती हूँ तुम्हारे पास। बाहर मेनू दर्द ही मिलया, होया कि कसूर मैं तो इन्हां नूं दस्स दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझया।